नमस्कार, मैं हूं वैशाली और आप देख रहे हैं खबरी मध्य प्रदेश। चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। गांधी परिवार ने देश की जनता को ठगा, शिवराज सिंह चौहान। भोपाल शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को मीडिया से चर्चा के दौरान कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए। सीएम शिवराज ने कहा कि जिस गांधी परिवार ने देश की जनता को ठगा, उसी गांधी परिवार को अब कमलनाथ ठग रहे हैं। कमलनाथ ने 2018 में राहुल गांधी से घोषणाएं कराकर उन्हें पूरा नहीं किया और उनको ठगा। अब प्रियंका से झूठ बुलवाकर उनको ठगने का काम कर रहे हैं। प्रियंका जी ने जो भी घोषणाएँ की उनको ठीक से पढ़ा भी नहीं और बच्चों की स्कूल फीस महीना या साल में ही वे उलझ के रह गए। सीएम ने तंज कसते हुए कहा, कांग्रेस ने 15 महीने की सरकार में जो हमारी योजनाएं थी वह भी उन्होंने बंद कर दी थी। गांधी परिवार ने पहले सबको ठगा था, लेकिन कमलनाथ गांधी परिवार को ही ठग रहे। कल जिस तरह से प्रियंका जी से घोषणाएं करवाई गई, मैंने वो वीडियो देखा है। कई घोषणाएं करके बैठ गई, बोले एक और करूं। अच्छा, पता नहीं बोलने के पहले उन्होंने पढ़ा कि नहीं पढ़ा। एमपी के मैहर से बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी ने दिया इस्तीफा। एमपी के मैहर से विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के विधायक नारायण त्रिपाठी ने विधायकी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपने इस्तीफे का पत्र विधानसभा अध्यक्ष को लिखा है। इस्तीफे देने के बाद श्री त्रिपाठी ने कहा कि शीघ्र ही आगे की रणनीति वे बनाएंगे। उनसे कांग्रेस में जाने की अटकलें अब तेज भी हो गई हैं। श्री त्रिपाठी ने अपनी एक अलग पार्टी भी अब बना ली है। 20 अक्टूबर को धूमधाम से मनेगा कर्फ्यू वाली माता मंदिर का स्थापना दिवस। भोपाल शारदीय नवरात्र में सोमवार स्थित जय मां भवानी मंदिर समिति द्वारा मां कर्फ्यू वाली माता का 41वां स्थापना दिवस 20 अक्टूबर को धूमधाम से मनाया जाएगा। इस दिन मां भवानी को 15 तोला वजनी करीब 9 लाख रुपए का सोने का हार चढ़ा जाएगा। इस विशेष हार को भोपाल में ही तैयार किया गया है। साथ ही 2 तोला वजनी करीब 1,20,000 रुपए कीमती का हार मां पार्वती को धारण कराया जाएगा। दोनों सोने के हार दाता दानदाताओं से मिली राशि से बनवाए गए हैं। भोपाल में चुनाव प्रशिक्षण लेने पहुंचे 4,000 कर्मचारी, कलेक्टर ने किया निरीक्षण। विधानसभा चुनाव कराने के लिए 16,000 अधिकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाना है। इसकी प्रक्रिया गुरुवार को शुरू हो गई है। पहले दिन परीक्षण में लगभग 4,000 अधिकारी कर्मचारी शामिल हुए। 4 दिन तक चलने वाले इस कार्यक्रम में सभी प्रशिक्षण में सभी अधिकारी कर्मचारियों का अनिवार्य रूप से शामिल होना जरूरी है। यदि बिना किसी उचित कारण के अनुपस्थित रहे तो उन पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। 63 लीटर शराब जब्त हुई। आगामी चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस महानिदेशक ग्रामीण भोपाल अजय सिंह एवं पुलिस उप निर्देशक मोनिका शुक्ला एवं पुलिस अधीक्षक देहात भोपाल प्रमोद सिन्हा एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नीरज चौरसिया के द्वारा अवैध शराब के संबंध में अभियान चलाया जा रहा है। उक्त निर्देशनों के अनुक्रम में SDOP बैरसिया पंकज दीक्षित के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी गुनगा अरुण शर्मा की टीम द्वारा आज मुखबिर की सूचना पर ग्राम पिपलिया कादिम पठार के पास आम रास्ता आरोपी कैलाश बंजोरी के पास से 7 पेटी जिसमें करीब करीब 350 क्वार्टर देशी मदिरा, कुल 63 लीटर शराब एवं एक हीरो होंडा स्प्लेंडर 5245 कुल कीमती करीबन 1,24,500 रुपये का मशरू का आरोपी कैलाश बंजोरी से प्राप्त किया है। ये थी आज की खबरें। जुड़े रहिए खबरी के साथ, क्योंकि खबरी की है हर खबर पर नजर।